हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें अपने रिश्तों को कैसे बचाना है, हम अपने रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं। तो चलो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपका किसी भी पर्सन के साथ झगड़ा चल रहा है, इशू चल रहा है, आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, ऑलमोस्ट की रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आपको भी यही लग रहा है और सामने वाले को भी यही लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है, और जय इस हद तक हो गया है कि सामने वाला इंसान किसी और के साथ चला गया है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें आपकी हेल्प करेगा? सामने वाला व्यक्ति आप उसे अब भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, अब आप खुश हो जाएं कि क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो चलो अब बात करते हैं कि ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, आपको क्या करना है। ठीक है, आप दोनों में इतनी नेगेटिविटी आई कैसे? तो इसके जो आपका जो रिश्ता बिगड़ा है, इसके जिम्मेवार आप खुद हो, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे हूँ, कि मैंने तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिलेशन को बचाने के लिए बहुत एफर्ट किए, मैंने बहुत कुछ किया, पर आपको नहीं पता कि आपने क्या कर दिया है। आपकी जो फीलिंग है उसमें जो उतराव चढ़ाव चल रहा है, आप अपने मन में यही सोचते हैं मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया, यही जिद्दी है, ये मानता नहीं है, इसको मेरी परवाह नहीं है, अब मैं इसको छोड़ दूंगी, है ना, या छोड़ देगा वो, कुछ भी आप सोचते हो, जो यही नेगेटिविटी जो आप जो नेगेटिव सोचते हो, यही फीलिंग है जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो अपने विचार मिक्स करके भेज दिए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका रिश्ता बिगड़ता चला गया। ऐसा ही हुआ है ना, क्योंकि एकदम कुछ भी ऐसे नहीं होता, एकदम कुछ भी रिश्ता नहीं टूटता, आपने ही ऐसी वाइब्रेट अपनी फीलिंग है जो भेजी होंगी जिससे जे आपके रिश्ते खराब होते चले गए। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं कि आपने क्या करना है। अगर आप उस इंसान को दोबारा पाना चाहते हैं, अपने किसी भी रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये नहीं कि रिश्ता रिश्ता कोई भी हो सकता है, तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले जो भी नेगेटिव है ना थिंकिंग आपकी, उसको क्लीन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कमरे में जाकर अकेले ही आपने क्या करना है, पहले अपने मन में जो भी कड़वाहट है उसे अकेले में निकाल दे, जो भी अपने जैसा है, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, जैसे आपका मन हल्का हो जाए। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया, फिर आपने क्या करना है, आपने जब अपना जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने के बाद आपने विश्वास रखना है, आपने सब कॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी फीलिंग भेजनी है, कि नेगेटिव नहीं सोचना, कि आप यही सोचते होंगे कि ये रिश्ता टूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस सब को ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर आप ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन करते हैं तो ये आपके लिए काम करेगा। अगर आप सोचते नहीं ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, तो फिर क्यों, फिर ये काम नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आप इसके बारे में गलत सोच रहे हो ना, पहले इस पर विश्वास करना है आपने। अब चलो अब छोड़ो इसको, अब आपने क्या करना है, अपने माइंड को, अपनी जो फीलिंग है नेगेटिव उसको सब क्लीन कर लिया, अब ऐसी बातें सोचना बंद कर दो कि रिश्ता टूट ना जाए। जो है सिर्फ दो ही चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कि आप सामने वाले से जो भी चाहते हो कि जे मुझसे बहुत प्यार करे, मेरी बात माने, आप जो भी चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है, जिस जो आपका रिश्ता है वो देखना मजबूत होता चला जाएगा, उसके बारे में सोचो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक कपल है, उनकी अनबन हो गई है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, तो ठीक है, अब उदास नहीं होना,
अब आपने क्या करना है, खुश होना है। चाहे आपने उसने आपको ब्लॉक मार दिया है, आपके पास पिक नहीं है, मन में तो है ना पिक, दिमाग में तो है ना, ऐसे उसकी पिक देखकर उसको आई लव यू कहना है, जो भी उसका नाम है, जिस भी नाम से आप उसे बुलाते हो, आई लव यू कहना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने मन में यही सोचना है कि वो भी मुझे आई लव यू टू बोल रहा है, और मन में यही सोचना है कि ये रोज मुझसे बात करता है, फोन करता है, मैसेज करता है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है या आ रही है, जो भी आप चाहते हो आपने वही सोचना है। आपको यही एनर्जी भेजनी है और यही वापस आएगी। ये तो चलो मैंने एक एग्जाम्पल बताई है, आप जिस भी रिश्ते को हील करना चाहते हो, चाहे फ्रेंड का हो, आपके नेबर में हो, कोई भी हो, आपने मन में प्यार की बातें सोचनी है, लिखना शुरू कर दो प्यार की बातें, तो देखना कि वो कौन सा, जब आप लिखोगे तो जल्दी और जल्दी आपकी जो रिलेशनशिप है हील होगी, वो कौन सा पढ़ने आ रहा है। आप लिखना शुरू कर दो धीरे धीरे, आप जो भी चाहते हो अपने पार्टनर से, जो भी फीलिंग चाहते हो रखते हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका पार्टनर है वो सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आप जब ऐसा करोगे तो देखना आपकी लाइफ पहले जैसी ही खूबसूरत होती चली जाएगी। आप अपनी एनर्जी बदलो, सामने वाले को अपनी एनर्जी बदलनी ही पड़ेगी। जब आप अपनी एनर्जी बदलोगे तो उसको भी बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता ही नहीं है, उसको आपके पास आना ही पड़ेगा। इसीलिए आप अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में भेजो, क्योंकि वही वापस आएगी। इस तरह आप अपनी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, अपने प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, जिसे आप बहुत चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी है जो बहुत खूबसूरत बन जाएगी। ये आपको सब प्रेजेंट टेंस में ही करना है, ठीक है। चलो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको रिलेशनशिप कैसे हील करनी है। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।